सेवा करने से सुख मिलता है। कलकत्ता कलिकांता है, मद्रास मध्य राशि है और बंबई मोहमयी है। ये तीनों समुद्र के किनारे हैं। समुद्र से विष निकला था, वह यहां है। जिसके पास बहुत धन है अथवा जिसने बहुत श्रृंगार कर लिया है, क्या वह दुखी नहीं होता? सुख तो त्याग से मिलता है। त्यागात शांतिर अनंतरम। एक श्रोता ने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, कलयुग में पाप होने की बात शास्त्रों में आई है, फिर जो लोग पाप करते हैं उनका क्या दोष? स्वामी जी ने कहा, शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में ऐसा होगा, यह नहीं लिखा कि ऐसा करना चाहिए। शास्त्रों का तात्पर्य है कि कलयुग में ऐसा होगा, अतः सावधान हो जाओ। यदि समय के अनुसार चलना चाहिए तो सर्दियों में गर्म चीज क्यों लेते हो? गर्मी में ठंडा पानी क्यों पीते हो? योग दर्शन में चित्त वृत्ति के निरोध का नाम योग है। गीता में परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव करने का नाम योग है। गीता का योग नित्य योग है। संसार के साथ संयोग का वियोग होते ही नित्य योग की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म सम है, उसके साथ अपने नित्य संबंध की जागृति हो जाए, इसका नाम योग है। संपूर्ण कामनाओं का, अहमता ममता का त्याग करने से अपना स्वरूप शेष रह जाता है। कामना स्प्रिहा शरीर आदि में ममता और अहमता भी मिट जाती है तो जो है वह रह जाता है, इसका नाम ब्राह्मी स्थिति है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। ब्राह्मी स्थिति की स्मृति हो जाए, यही नित्य योग है। फिर करना जानना पाना कुछ बाकी नहीं रहता। धन के कारण अपने को बड़ा मानते हैं तो वास्तव में अपनी इज्जत गिरी है। यह धन की गुलामी है। पदार्थों को लेकर अपने को बड़ा मानने से अपने वास्तविक बड़प्पन का अनुभव नहीं होता। वस्तु नहीं रहती, बदलती है, पर स्वयं वही रहता है। मनुष्य वस्तुओं से जितना संबंध मानता है उतना ही वह तुच्छ होता है। वह धन के कारण अपने को बड़ा मानता है तो वास्तव में धन ही बड़ा हुआ, खुद तो छोटा हो गया। वस्तुओं से संबंध मान लिया, उनको सत्ता देकर महत्ता दे दी, इसीलिए नित्य योग प्रकट नहीं होता। निरंतर बदलने वाले के साथ अपना संबंध मानकर मनुष्य मुफ्त में दुख पाता है। जब से जीव परमात्मा से विमुख हुआ है तब से पाप होना प्रारंभ हुआ, इसीलिए भगवान कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोही जभी, जन्म कोटि अघ ना सही तभी। यह संसार सुख चाहने वाले के लिए दुख आलय है, सेवा करने वाले के लिए नहीं। आज श्री कृष्ण को भगवान मानने वाले जितने ज्यादा हैं उतने महाभारत के समय नहीं थे। भीष्म पितामह विदुर संजय और कुंती ये भगवान श्री कृष्ण को तत्व से जानते थे। युद्ध के समय भीष्म जी ने अपने बाणों से भगवान का पूजन किया, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य। फिर भगवान के उसी रूप का अंत समय में ध्यान किया। वे कहते हैं, मुझ आतताई ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहू लुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे।
मैं ही भगवान कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, मेरा एकमात्र आश्रय हो। गीता शरणागति पर विशेष जोर देती है। अर्जुन भगवान के शरण होता है तब गीता आरंभ होती है। गीता की संस्कृत तो सरल है पर भाव बड़े गहरे हैं। शरणागति गीता का सार है। शरणागति बड़ा सुगम और ऊंचा साधन है। हे नाथ, मैं आपका हूं ऐसा कहने से भगवान प्रसन्न।